राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक एनआरआई की बेटी की शादी शाही अंदाज से करवाई जा रही है कि यहाँ की व्यवस्थाएं संभालने के लिए जयपुर से 200 बाउंसर मंगवाए गए हैं। दरअसल एनआरआई नवल किशोर गोदारा बाड़मेर जिले के छोटे से गांव भियाड़ के हैं और इनका गांव में अपनी बेटी की शादी करवा के ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव में भी लोग ये देखें कि शाही शादियां कैसे होती हैं। यहाँ आमतौर पर ऐसी शादियां देखने को, शाही शादियां जो बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े राजा रजवाड़े में हम देखते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से शाही अंदाज में शादी करवा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो लोग आते हैं कई जगहों से, राजस्थान के अलग अलग जगहों से लोग सिर्फ इस शादी के जो मैनेजमेंट यहाँ लगा हुआ है, टेंट लगा उसको देखने के लिए आते हैं। तो कोई लोग यहाँ व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएं नहीं हो, इसके लिए आप देखिए 200 बाउंसर यहाँ अलग अलग जगहों से लगाए हैं और ये भाई साहब जो है यहाँ पर खड़े, कोई अंदर नहीं चला जाए। भाई साहब क्या नाम है आपका? अंकित नाम है सर। अंकित कहाँ से आए आप? जोधपुर। जोधपुर से आए, तो क्या कोई अंदर अंदर नहीं जाए, बॉडी का डर दिखाते हैं? नहीं सर। हाँ सर, सर काम है सर। लोग देखते ही भाग जाते होंगे कि अंदर उठा के इसमें फेंक देंगे जाली में। बिल्कुल सर। कितने लोग आए हैं आप सर? सर आज सुबह से कम 1000 लोग आ गए, 1000 ज्यादा। अच्छा, 1000 जने अंदर आके देखने के लिए उनको आपने रोका सर? उनको निश्चित रूप से। आप देखिए ये सारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ व्यवस्थाएं देख रहे हैं। बुराराम जी, कब से व्यवस्थाएं कर रहे हैं शादी को लेकर? साहब 20 दिन हो गए। हाँ। जी सर। किस तरीके से लोग, क्योंकि आमतौर पर शादियों में सब लोग आते हैं लेकिन ये शादी ऐसी है कि लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं, टेंट देखने के लिए आ रहे हैं? सर टेंट तो देखने के लिए आ रहे हैं लेकिन इसका सर तो आपको ही जाता है, आपने ये बाइट दी उसके बाद पता नहीं, हम तो कल से भूल गए हैं कि कितने लोग कहाँ से क्या आ रहे हैं, कोई समझ नहीं। अच्छा, जी हाँ सर, कैसे मैनेजमेंट करना पड़ रहा है? अरे बहुत मेहनत करनी पड़ी, पहले सोचा ये बहुत बड़ा काम है, मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा, अब तो हर कोई देखने आ रहा है, जैसे कोई हजारों एक साथ। 100 गेस्ट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? फॉरेन से भी मेहमान? सब फॉरेन से, अफ्रीका से, कांगो से, दुबई से, और भी पूरे राजस्थान, इंडिया के हर कॉर्नर से आ रहे हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं। बहुत से लोग आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था VIP टेंट लगे हुए हैं और ये बारात के लिए अच्छे अच्छे टेंट लगे हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई है। तो आप भी बाउंसरों का सहयोग दे रहे हैं? भाई हम भी यहाँ पे थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, जितनी हमसे कोशिश हो रही है वो सहयोग कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को पूछा, वो कह रहे हैं कि हम लोग, तो कोई कह रहा है कि हम कहीं कहीं से देखने के लिए आ रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग देखने आ रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ जैसलमेर से, बाड़मेर से, नागौर से, जोधपुर से, सब लोग। बिल्कुल, धन्नापुरी जी हमारे साथ हैं। सर काफ़ी आपने तो ऐसी खूब सारी व्यवस्थाएं देखी होगी, अभी वही आज थोड़ा सा काम संभालना पड़ रहा है? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है और सिस्टमेटिकली है, लोगों को एक देखने का एक है कि हमें ऐसी NRI की शादी देखनी है, तो देखने वालों की भीड़ ज़्यादा है, उसको एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं और सिक्योरिटी व्यवस्था पुख्ता है। सर शादी को लेकर कितना एक्साइटेड गांव के लोग हैं, परिवार के लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, मिलने वाले भी हैं सभी, लेकिन उनको कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग आने वाले हैं शादी में? एवरेज 10,000 करीब मानते हैं। 10,000 से ज़्यादा मेहमान इस शादी में आने वाले? जी हाँ। तो बारात थोड़ी देर बाद आ जाएगी? बारात बद्री जी जाकेट साहब जो भूतपूर्व सांसद हैं उनके यहाँ से आ रही है, करीब 4 बजे बारात का अराइवल है। तो टेंट के लिए सारी व्यवस्थाएं, बारातियों के लिए, मेहमानों के लिए सारी व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, सभी अच्छी व्यवस्था है। इसके अंदर एंट्री के लिए कोई, जिनको निमंत्रण दिया उन्हीं को? जिन्हीं को है। हाँ। कई लोग जो अब देखने आ रहे हैं। हाँ। उनको केवल देखने हैं, उनको हम रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं। हाँ। जो इनवाइटीज है उनको सादरा अंदर प्रवेश दे। तो आप देखिए, अगर आप इस शादी के बारे में सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम आते ही हमको अंदर एंट्री दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको निमंत्रण दिया है तो ये आपको एंट्री होगी, नहीं तो भाई साहब देखिए 200 बाउंसर लगे हैं और जोधपुर जयपुर से आए हैं, अपने स्तर पर आना, और रिस्क भारी हो सकता है आपको। और अगर आपको बाहर से देखना है तो आराम से टेंट देखिए, और ये शादी जैसे संपन्न हो जाएगी उसके बाद टेंट यहाँ रहेंगे 2-3 दिन। हम भाई साहब को बोलेंगे कि 2-3 दिन टेंट रखें ताकि यहाँ के लोग इस टेंट को भी देख सकें। शुक्रिया।